ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के दिल कहे जाने वाले माल रोड पर स्थित पार्क, जिसका नाम चिल्ड्रन पार्क है, लेकिन विडंबना ये है कि चिल्ड्रन पार्क कहे जाने वाले इस पार्क में चिल्ड्रन यानी बच्चे आना पसंद भी नहीं करते, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के टूटे झूले, अव्यवस्थित पार्क, यही कारण है कि जो पार्क सोलन की शान था, जहाँ पहले बाहरी राज्य से आए लोग उसकी सुंदरता को निहारा करते थे, आज उस पार्क की ओर लोग मुख भी नहीं करते हैं। सोलन के दिल कहे जाने वाले माल रोड पर स्थित पार्क, जिसका नाम चिल्ड्रन पार्क है, लेकिन विडंबना ये है कि चिल्ड्रन पार्क कहे जाने वाले इस पार्क में चिल्ड्रन यानी बच्चे आना पसंद नहीं करते, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के टूटे झूले, अव्यवस्थित पार्क, यही कारण है जो पार्क सोलन की शान था, जहाँ पहले बाहरी राज्यों से आए लोग उसकी सुंदरता को निहारा करते थे, जो पार्क बच्चों से पहले भरा रहता था, बच्चे जहाँ अटखेलियां करते नजर आते थे, आज उस पार्क की ओर लोग मुख भी नहीं करते। ये पार्क अब नशेड़ियों का अड्डा, प्रेमी युगलों का मिलने का स्थान या वृद्धों के धूप सेंकने का स्थान बन गया है। गौरतलब है कि चिल्ड्रन पार्क में एक हाथी झूला बनाया गया था, जो पिछले 3 वर्षों से टूटा पड़ा है, जिसकी मुरम्मत आज तक करवाना नगर परिषद ने उचित नहीं समझा। वहीं पार्क में 2 घोड़े और 1 शेर को स्थापित किया गया था, जहाँ बच्चे आकर इनकी सवारी किया करते थे, अपनी तस्वीरें उतारा करते थे, लेकिन रखरखाव की कमी के चलते ये भी जगह जगह से टूटे पड़े हैं। इसका रंग उखड़ चुका है, इसलिए ये आकर्षण भी बच्चों को खींच नहीं पा रहा है। जिस सोच के साथ चिल्ड्रन पार्क को बनाया गया था कि शहर के बच्चे यहाँ आकर अपना समय व्यतीत करेंगे, झूला झूलेंगे, अपने घर आए मेहमानों को यहाँ घुमाने लाएंगे, लेकिन नगरीय परिषद और जिला प्रशासन के उदासीन रवैये और नकारात्मक सोच के चलते आज के पार्क अपनी बदहाली पर आंसू रो रहा है और अपने जीर्णोद्धार की बाट जो रहा है। वहीं इस बारे में शहरवासियों सुशील चौधरी, वीरेंद्र जसवाल, गोल्डी मोहम्मद अंसारी, प्रेम सिंह ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर परिषद के पास लाखों रुपए पार्कों के रखरखाव के लिए आते हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च होता है, ये आज तक उनके समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्क के झूले टूटे पड़े हैं, पार्क का विशेष आकर्षण हाथी झूला और स्थापित घोड़े और शेर टूटे फूटे पड़े हैं, जिसकी मरम्मत भी नगर परिषद नहीं करवा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को यहां आकर बेहद हताशा होती है। इसलिए बच्चों का इस पार्क से मोह भंग हो गया है और वे यहाँ आना पसंद नहीं करते। मेरा नाम सुशील चौधरी है, मान रोड व्यापारिक संघ का प्रधान हूँ। यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन पार्क है, ये सोलन की एक बहुत पुरानी धरोहर है और शहर के बीच में इतनी वेजिटेशन वाला पार्क होना एक अपने आप में एक उपलब्धि है। पर आज के डेट में अगर हम देखें तो म्यूनिसिपल कमेटी इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लाइट नहीं है, रात को लाइट नहीं होती, शाम को तो लाइट जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं नशे या बाकी सब चीज़ों का लोग उसके फ़ायदा लेते रहते हैं। यहाँ पर टॉयलेट्स में पानी की बड़ी मुश्किल रहती है और समय समय पर काफ़ी समय बंद रहता है पानी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो झूले टूटे हुए हैं। अभी एक हाथी से इसकी बड़ी पहचान थी, उसके आगे का हो सकता है कमेटी ने उसे बनने दिया हो, पर वो काफ़ी समय हो गया और वो उसके जो स्लाइड थी उसके आगे की जो झूला जिस पर बच्चे बड़ा आनंद लेते थे उसका, उसे अभी तक काफ़ी देर से वो हटाया गया है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।